What's up? I hope you all are doing fantastic. Welcome to the Sneha Shred. Welcome back to the another exciting video. तो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माई पर्पल शॉपिंग हॉल और जिसमें मैंने बाय किया है कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स एज वेल एज स्किन केयर प्रोडक्ट्स. सो डेफिनेटली यू गाइज कैन सी द एंटायर वीडियो. आप लोगों को भी आइडिया लगेगा यू शुड बाय दैट प्रोडक्ट और नॉट. और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ भी किए हैं तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता भी सकती हूँ यूज़ करने से पहले कि मतलब ये प्रोडक्ट कैसे हैं, यू शुड गो फॉर इट और नॉट. तो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट किया जाए. अगर आपने मेरी चैनल को पहली बार विजिट किया है सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकॉन सो डेफिनेटली यू विल गेट इजिली नोटिफाई फॉर फर्दर अपडेट्स. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ स्किन केयर प्रोडक्ट के साथ. तो सबसे पहले मैं ये आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, दिस इज़ द ऑयल फ्री डेली फेस मॉइस्चराइजर बाय डर्मेको. और इसमें है हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड्स एंड मल्टीविटामिन्स. सो इट इज़ आल्सो सल्फ्रेट एंड पैराबेन फ्री, DYE एंड मिनरल फ्री ऑयल इसमें यूज़ किया गया है. सो इट्स 100 ग्राम पैक. एंड मैं आपको बता देती हूँ कि पर्पल पे बहुत अच्छा सेल चल रहा था जिस टाइम मैंने बाय किया, तो ये ऑलमोस्ट मतलब मेरे को सारी चीज़ें ना 20% 30% के मतलब ऑफ रेशियो में मिला. सो आई एम वेरी हैप्पी. आगे भी मैं आप लोगों से जैसे जैसे इसे यूज़ करती जाऊँगी, अभी तो ये पैकेज मतलब फुल है. अभी मैंने इसे 3-4 टाइम मतलब यूज़ किया है. सो मेरे को मतलब ना कुछ खास ऐसा नहीं दिखा उसको लगाने के बाद, ना फिर से वही स्किन थोड़ा सा ड्राई हो जा रहा था. लॉन्ग टर्म के लिए ये मेरे लिए तो वर्क नहीं किया फिलहाल, बट लेट्स सी इसको मैं और यूज़ करती हूँ तो इसका एक हो सके तो मैं एक शॉट बना के ज़रूर इसका रिव्यू शेयर करूँगी, बट आफ्टर 10-15 days अभी मैं यूज़ कर लूँ इसे और अच्छे से. और दूसरा मॉइस्चराइजर मैंने यहाँ पे परचेस किया है डॉट एंड की का सेरामाइड्स एंड हाइलुरोनिक स्किन बैरियर रिपेयर प्लस फेस क्रीम प्रोबायोटिक्स प्लस राइस वाटर एंड इट इज़ गुड फॉर ड्राई टू वेरी ड्राई सेंसिटिव स्किन. सो मेरा सेंसिटिव स्किन नहीं है बट नाउ दीज डे इट्स एक्सट्रीमली ड्राई. सो आई होप द समर इज कमिंग सो आई गेट रीड ऑफ इट. ये फ्रेग्रेंस फ्री है विच आई लाइक मोस्ट. को ना बारी बारी से यूज़ कर रही हूँ तो मेरे को थोड़ा थोड़ा मतलब अंदाजा लग रहा है कि ये मतलब प्रोडक्ट कैसा हो सकता है. अगर आप लोगों में से कोई इसे बाय करना चाहते हो इसे कर सकते हो. जितने भी लिंक्स मेरे को मिलेंगे ना मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेकआउट कर सकते हो. गुड वाइब्स ग्रीन टी ग्लो टोनर, इट्स नो पैराबिन एंड नो अल्कोहल. जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ मार्केट में मैं अभी तक टोनर मतलब यूज़ नहीं कर रही थी टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई ट्राइड दिस टोनर. क्योंकि मार्केट में जितने भी टोनर्स आते हैं मोस्टली वो होते हैं अल्कोहल के साथ, अल्कोहल फ्री नहीं होते. बट आई हैव ट्राइड दिस गुड वाइब्स ग्रीन टी ग्लो टोनर एंड नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस. इनके प्रोडक्ट्स वैसे बहुत अच्छे लगे, इनके सारे प्रोडक्ट्स ही मैंने फेस ऑयल फेस सीरम जितने भी अभी तक यूज़ किए हैं एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद दिस. एंड इट इज़ ऑल्सो नो मिनरल ऑयल, नो सल्फ्रेट एंड नो एनिमल टेस्टिंग. सो क्रुएल्टी फ्री है एंड मेड इन इंडिया. सो डेफिनेटली आई लव टू एडवाइज यू गाइज, डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस प्रोडक्ट. आप लोग जो टोनर अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट. गुड वाइब्स रोज हिप सीरम एंड दिस इज ऑल्सो सल्फ्रेट एंड पैराबिन फ्री एंड इट्स अ रेडियंट ग्लो फेस सीरम एंड बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो, जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड आई जस्ट लव इट. मैंने इसका अभी तक आलमंड ऑयल इससे पहले यूज़ किया था, दैट वॉज नॉट सीरम, दैट वॉज आलमंड ऑयल एंड आई एम ट्रूली सेटिस्फाई विद दिस प्रोडक्ट्स. आप लोग इसे बाई कर सकते हो एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट एंड विच इज गुड वाइब्स आर्गन विद 24K गोल्ड फेशियल ऑयल एंड इट इज़ ऑल्सो नो सल्फेट एंड पैराबिन फ्री एंड इसके मतलब ना ड्रॉप्स ही काफ़ी हैं. और आप ये फेस ऑयल एंड ये फेस सीरम यूज़ कर सकते हो एंड एक बार अगर आप लोग यूज़ करोगे ना तो डेफिनेटली यू गाइज गोना लव दिस प्रोडक्ट. एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है गाइज, तो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा, दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड. नेक्स्ट आई एम मूविंग फॉरवर्ड फॉर दिस फार्मेसी फेशियल शेविंग बाम एंड इट्स अ प्री एंड पोस्ट शेव बाम. आप लोग डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हो एंड दिस बाम इज ट्रूली अमेजिंग. फेशियल हेयर रिमूव करने जा रहे हो सो यू शुड अप्लाई दिस वन फर्स्ट. 199 वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट विदाउट डिस्काउंट मैं बता रही हूँ. डिस्काउंट के साथ तो मेरे को मतलब ये अच्छे खासे रेट पर पड़ गया था एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस. एंड अब रेट ना मेरे को याद नहीं है गाइज, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं मतलब थोड़े बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो अभी रेट मेरे को याद नहीं है. आप लोग पर्पल पे जा सकते हो, चेक कर सकते हो, उनके पास वैसे सेल अच्छा रहता है सो यू गाइज कैन चेक इट आउट. द नेक्स्ट वन इसके साथ ही मैंने ये कार्मेसी का फेशियल हेयर रिमूवल किट बाई किया था जिसमें
फेशियल प्लस वन आईब्रो रेजर है और इसको मैं अनपैक करके मतलब आप लोग को दिखा देती हूँ सो यू गाइस कैन बेटर अंडरस्टैंड. डेफिनेटली आप लोग इसके लिए जा सकते हो. आईब्रोज को शेप करने का तरीका मतलब घर पे बैठे बैठे अगर आप पार्लर्स के चक्कर नहीं काटना चाहते, थ्रेडिंग को एक बार करवा के आने के बाद आप लॉन्ग लास्टिंग कैसे मेंटेन कर सकते हो विदाउट गोइंग पार्लर, सो आई विल लेट यू नो गाइस. तो डेफिनेटली आप लोग इसके लिए जा सकते हो. दिस पैक इज़ वेरी यूजफुल फेशियल हेयर रिमूविंग के लिए. आपको ये रेजर मिल जा रहा है एंड ये आईब्रो के लिए मिल जा रहा है. दिस इज द गुड वाइब्स इंस्टा ग्लो फेस वॉश ओप्टन. टेस्टिंग पर्पज से ये मेरे को मिला था. ये ट्यूब है छोटू सा, आप लोग देख सकते हो. तो इट इज़ ऑल्सो गुड, बहुत अच्छा है, आप लोग यूज़ कर सकते हो. फ्रेगरेंस इज ऑल्सो अमेजिंग. पर मतलब एक चीज़ है गुड वाइब्स के सारे प्रोडक्ट्स के फ्रेगरेंस माइंड ब्लोइंग. नेक्स्ट ये है गुड वाइब्स का ही नेचुरल ग्लो शीट मास्क सैफ्रॉन. एक मैंने लिया था, वो था गोल्ड, सेम शीट मास्क ही था, गोल्ड था वो. मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया क्योंकि मेरे को एक शॉट क्रिएट करना था वैलेंटाइन डे से पहले, तो मैंने उसे यूज़ कर लिया था. आप लोग चाहो तो जाके देख सकते हो उस शॉट को. और डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो गुड. इसका जो गोल्ड वाला मैंने यूज़ किया है दैट्स अमेजिंग. एंड आप लोग इसे बाई कर सकते हो, इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल. इट्स अ 95 रुपीज शीट मास्क. एक ही शीट मास्क है इसमें और काफ़ी अच्छा है. और डेफिनेटली आप लोग इसे बाई कर सकते हो. और गोल्ड वाला जो है वो मेरे पास अभी है नहीं, मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है. शॉर्ट्स आप लोग देख लेना तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा. Let's talk about this product. Good Vibes Sunscreen Wide Spectrum Protection with SPF 30 UVB, PA, Triple Plus, UVA, Goodness of Aloe Vera, Green Tea, Cucumber and Jojoba Actives with Sun-Blocking Anti-Aging and Skin Protecting Agents. So definitely, आप लोग इसे try out कर सकते हो. मैंने इसे try किया है. It is good for all skin type. आप लोग इसे use कर सकते हो. आप लोग use करके भी share करना कि आप लोगों को ये कैसा लगा. तो sunscreen के लिए yeah, it is done so far. मेरे को अच्छा लगा. बाकी if I'll try out any other product, definitely I'll let you know guys. Alright guys, so let's start with this beauty product. So ये है NY Beka Liquid Foundation UV Drops and this is the shade in 3 Machiato 30ml. इसको ये actually ना एक चीज़ बस इसमें problem है, ये जो आपको foundation इसमें से निकालना होगा ना, this is very ट्रिपिकल, इट्स वेरी ट्रिपिकल. क्योंकि ये दिस इज़ द बॉटल्स मतलब ना ये शेप है कुछ और पम्प नहीं है इसमें. इनको ये पम्प देना चाहिए था बिकॉज बहुत सारा प्रोडक्ट ना इसमें वेस्ट होने वाला है. दैट आई कैन अंडरस्टैंड कैसे आप इसमें से निकालोगे अगर आपके पास वो स्पैचुला नहीं है. सो यू आर नॉट एबल टू यूज़ होल प्रोडक्ट. बॉटल में वो रह जाने का है नीचे. बट लेट्स गिव इट अ ट्राई. अभी तक मैंने इसे ट्राई नहीं किया एंड आई विल ट्राई एंड लेट यू नो गाइज. गोइंग टू मूव फॉरवर्ड फॉर दिस Maybelline New York Fit Me Matte Plus Poreless 16-Hour Oil Control with SPF 22 and this is the shade in 310. I love Fit Me range and Maybelline के सारे products definitely मैं use करती हूँ. बहुत सारे अभी तो use कर रही हूँ and I love it. This is an amazing product guys. Color corrector in the shade in orange. This is the product if you can see. ये है Swiss Beauty का Perfect Match Pan Stick. और नेट वेट है इसका 7.5 ग्राम. एंड दिस इज़ एन अमेजिंग. इसकी पैकेजिंग भी इट्स लुक सो सेक्सी. बहुत ही पैकेजिंग इसका अमेजिंग सा है एंड आई लव दिस. क्योंकि फेस में अगर आपके ब्लेमिशेस हैं तो अगर उसको कवर करना है सो यू शुड गो फॉर द ऑरेंज कलर करेक्टर. एंड दिस इज़ वेरी बेसिक प्रोडक्ट में अगर आप बोलो तो बहुत ही अच्छा है. मेरे को ये बहुत पसंद आया. मैंने फिर इसे बाई किया है एंड इट्स अमेजिंग. एंड नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इट्स अ 3-in-1 स्टिक. यू कैन से इट्स एन वाई बे रनवे. दोनों शेड मैं ओपन कर लेती हूँ तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा प्रोडक्ट का जो वे है यूज़ करने का. काइंड ऑफ स्टिक सो इसे लिपस्टिक की तरह यूज़ करना, अप्लाई करना बहुत ही ईजी है. एंड प्रोडक्ट क्वान्टिटी भी ठीक है, ठीक ठाक है. यू कैन यूज़ इट. इट्स अ वॉलनट शेड एंड दिस इज़ न्यूट्रल. यू कैन से इट्स अ बेज. This one is the one shade darker. आप इसे as a concealer, as a color corrector and as a foundation आप इसे use कर सकते हो. This product is so perfect. तो अगर आप इसे carry भी करना चाहते हो ना purse में easily ये carry हो जाएगा and it's a 3-in-1 stick. So आप as a concealer इसे use कर लो, as a color corrector इसे use कर लो, as a foundation use कर लो. So you all set.
नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे लिया है ये फेसेस कैनेडा का है वेटलेस मैट फिनिश फाउंडेशन एंटी एजिंग नेचुरल एक्सट्रैक्ट। ये है इसका पैकेज एज यू कैन सी। ये एन बाय बेका मैंने ये ब्लरिन प्राइमर लिया है, मिनिमाइजेस पोर्स, ब्लेंड लाइक अ ड्रीम, हाइड्रेटिंग इन नेचर। मैंने इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए इसे यूज किया है एंड डेफिनेटली यू वोंट रिग्रेट इफ यू आर गोइंग टू बाय दिस प्रोडक्ट। आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं गाइज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एन बाय बे आई मेकअप प्राइमर। तो आप लोग जो यूज़ नहीं करते मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो कि अगर आपकी आई लीड बहुत ज़्यादा ब्लेमिशेस हैं उस पर तो आप ये आई प्राइमर यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज यू डोंट नीड एनीथिंग लाइक दिस। ओकेजनली इट्स अ परफेक्ट। ये है द नेक्स्ट वन इज स्विस ब्यूटी कवरेज कंसीलर एंड दिस इज वेरी क्यूट एंड छोटू सा पैक है एंड ये जो इन लोगों ने दिया है इट्स अ फ्री सैम्पल। I didn't try so far. मैं इसे try करूँगी and let's see आप लोगों के साथ share भी करूँगी कि कैसा है ये product. Primer में मैंने guys एक और use किया है और I was looking for since so long, you won't believe. This is the Rene Bollywood Filter Primer and मैं बोलूँगी आप लोग try out करो। इसकी fragrance जो है ना इतनी प्यारी सी इसकी फ्रेग्रेंस है और आप लोग थोड़ा सा प्रोडक्ट अगर इसे यूज़ करते हो ना इट विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट। सो डेफिनेटली यू शुड गो विद दिस यू नो प्राइमर। इट्स रेने बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर। एक लॉन्ग वीडियो भी क्रिएट किया है, शॉर्ट्स में भी मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। तो आप लोग अगर देखना चाहते हो इसे कैसे यूज़ करना है स्पेशली आई विल पुट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शेयर इट्स एन बाय बे प्रो स्ट्रोक क्रीम गोल्ड शेपियर एंड इसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है गाइज। मेरे पास स्ट्रोक क्रीम था भी नहीं, सो मेरे को चाहिए था, कुछ वीडियो के पर्पज से ही शूट करना था मेरे को। सो अभी मैंने इसे ट्राई नहीं किया है, जैसे मैं इसे ट्राई करूँगी सो मैं अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट मैंने बाय किया है गाइज ये एन वाई बे का शिमर ड्रॉप्स लिक्विड हाईलाइटर और इसका कुछ एप्लीकेटर जो है एंड ये लिक्विड लिपस्टिक जैसे हम लोग ट्राई करते हैं अप्लाई करते हैं सो सेम एप्लीकेटर है और इजी टू यूज़ और मैंने इसे ट्राई किया है। शेड बहुत ही प्यारा सा है इसका एंड या आई लाइक दिस लिक्विड हाईलाइटर। नेक्स्ट मैंने बाय किया है ये एन वाई बे का आई लाइनर, जैसे कि देख सकते हो ये ब्लैक शेड में है, दिस इज सिंपल। एंड ये मैंने बाय किए हैं छोटे से दो नेल पेंट एंड ये एन वाई बे का ही नेल पेंट है, प्रिटी पेस्टल नेल पेंट और ये जस्ट नेल पेंट इस पर लिखा हुआ है। कलर बहुत ही प्यारे हैं तो मैंने इसे बाय किया है। और नेक्स्ट जो आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ ये है फेसेस कैनेडा का मैग्नेट आइज आई लाइनर एंड दिस इज द स्टिक और मैंने इसे अभी ट्राई नहीं किया है, वंस आई विल ट्राई सो आई विल लेट यू नो। नेक्स्ट मैंने जो ट्राई किया है ये है फेसेस कैनेडा का मैग्नेट आइज काजल विच इज़ वाटर प्रूफ, स्मच प्रूफ, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड एंड दिस इज द ब्राउन शेड। आप लोग जो मेरे वीडियोज़ देखते हो आप लोगों को पता होगा कि काजल में मैं ज़्यादातर ब्राउन शेड ही यूज़ करना पसंद करती हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर स्विस ब्यूटी थ्री ब्राउज पाउडर प्लस वैक्स क्रीम एंड एक्सट्रीमली अमेजिंग वैक्स है ये, ब्राउन, ब्लैक एंड ग्रे शेड में है। एप्लीकेटर भी यहाँ पे दिया हुआ है बट आप लोगों के हाथ जिनके बड़े हैं ना, मतलब देखो ये बहुत ही छोटू सा एप्लीकेटर है तो इसमें आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते, सो दैट्स टोटली फाइन, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा इसका पैकेज है, छोटू सा बहुत क्यूट सा पैकेज है एंड एक्सट्रीमली वर्थ इट। और डिस्काउंट रेट अगर ना भी अप्लाई हो किसी भी साइट पर इट इज़ जस्ट यू हैव टू पे जस्ट $299 विदाउट डिस्काउंट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड एक्सट्रीमली वर्थ इट। आप लोग जो बिगिनर हो या फिर जो नेचुरल मेकअप पसंद करते हो तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने जो आईब्रोज को फिल किया है ना विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड इट्स एक्सट्रीमली गुड। नेक्स्ट मैंने ये बाय किया है ये है माई ग्लैम पॉज एस डी ब्रॉन्जर डुओ शेड है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। इट्स अ ब्रॉन्जर 001 सिनेमन टेराकोटा फॉर्मुलेटेड इन इटली। सिनेमन वन एंड द टेराकोटा वन बहुत ही अच्छा है ब्रॉन्जर के लिए एंड ये डेफिनेटली आपको एस डी फिनिश देता है, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। मैंने इसे ट्राई आउट किया है सो बिग थम्स अप फॉर दिस। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये एन वाई बे का ड्यूवी फिनिश सेटिंग स्प्रे बाय किया है। बहुत ही अमेजिंग इसका ये फ्रेग्रेंस है, बहुत ही प्यारा सा ये प्रोडक्ट है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई आउट कर सकते हो। आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए गाइस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड एवरीबडी अराउंड यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, टेक केयर।